सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। इससे पहले के लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था लीफ का अरेंजमेंट, लीफ में वेनेशन और फाइलोटेक्सी, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई थी। इस पार्ट में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्या, फ्लावर। तो देखिए, फ्लावर में आपको चार वोल्स मिलते हैं, चार पार्ट मिलते हैं मेनली, और वो चार पार्ट कौन कौन से हैं जो हमें आज डिस्कस करने हैं, तो वो है कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो ये सब डिस्कस करने से पहले हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए फ्लावर्स का। तो हम चलिए एक बेसिक फ्लावर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं कि उसमें कौन से रीजन्स एंड कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे ऐसे ग्रीन ये लीफी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ड्रॉ करने चाहिए। इन ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं सेपल्स। ठीक है, तो अगर कभी भी किसी प्लांट को या फ्लावर को हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमको ये स्ट्रक्चर डिस्कस करना चाहिए, ये आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ हमको याद रखनी है, फ्लावर जो है इट इज़ अ हाईली कंडेंस्ड स्टेम। तो ये कंडेंस्ड स्टेम है और स्टेम में आपको पता है नोड्स होते हैं। तो ये जो रीजन था जिसको हमने सोलोन पोर्शन को थैलेमस बोला था, इस थैलेमस वाले रीजन पे मल्टीपल नोड्स होते हैं और नोड्स से निकल निकल के आते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरल वोल्स। तो जो फ्लोरल वोल्स हम सबसे आउटर मोस्ट पार्ट में देख रहे हैं, इन फ्लोरल वोल्स को हम लोग बोलते हैं सेपल्स। सेपल्स के बाद में जो नेक्स्ट फ्लोरल वोल आएगा वो कौन आएगा, तो वो आएगा हमारा पेटल्स। ठीक है, तो पेटल्स का कलर कुछ अच्छा था दिखा देते हैं, चलिए रेड कलर अगर ले लेते हैं हम लोग। देखिए, तो अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, पेटल्स है। ये रेड रेड जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, जो सेकंड फ्लोरल वोल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, उस सेकंड फ्लोरल वोल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेटल। लीजिए, तो ये हो गया पेटल। पीछे की तरफ भी एक पेटल बना देते हैं, यहाँ भी एक पेटल है। देखिए, तो ये पेटल हो गया। अब पेटल के बाद नेक्स्ट पोर्शन हमको याद रखना है, उसके अंदर वाले रीजन में हमको दिखाई देगा, उसके अंदर वाले रीजन में हमको दिखाई देगा एंथर। एंथर की जगह हमें बोल देना चाहिए एंड्रोशियम वाला रीजन। चलिए देखिए, ये पोर्शन जो नेक्स्ट फ्लोर वोरल है वो क्या है, ये है एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम में हमको फ्लामेंट दिखाई देगा और एंथर दिखाई देगा। तो चलिए थोड़ा सा इसको ड्रॉ करते हैं, ये रहा, दिस इज एंथर। एंथर के टॉप मोस्ट रीजन को थोड़ा सा ऐसा बोलिए, एंड्रोशियम के टॉप मोस्ट रीजन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ कलर वाइज, जिससे ईजिली दिखाई दे। देखिए, तो ये जो पोर्शन है दिस इज एंथर। ठीक है, चलिए लास्ट पोर्शन जो हमको याद रखना है वो है इनर मोस्ट रीजन, एंड दिस इनर मोस्ट रीजन इज गाइनोशियम। क्या बोलते हैं इसको, गाइनोशियम, और गाइनोशियम में मतलब फीमेल जो पार्ट है उसे गाइनोशियम बोलते हैं। इसमें आपको तीन स्ट्रक्चर दिखेंगे, इसमें आपको मिलेगा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब एक चीज़ हमको और याद रखनी है कि इसमें कई बार आपको पार्टीशन मिलेगा, ओवरी के अंदर आपको पार्टीशन मिलेगा, उस पार्टीशन से अटैच्ड होंगे कुछ राउंड राउंड स्ट्रक्चर, और ये जो राउंड स्ट्रक्चर है इन्हें हम बोलते हैं ओव्यूल्स। क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स बोलते हैं। तो चलिए, यहाँ पे एक फ्लावर का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, हमारे सामने तैयार है। तो इस स्ट्रक्चर में क्या क्या है वो देख लेते हैं, और कौन से पोर्शन को क्या बोलेंगे देखते हैं। चलिए, तो सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज पेडिसिल। क्या बोलते हैं, पेडिसिल। ओके, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं पेडिसिल। पेडिसिल के जस्ट ऊपर जो स्वलोन पोर्शन है, स्वलोन पोर्शन को हम लोग बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस। ओके, थैलेमस के जो जो स्ट्रक्चर है थैलेमस, थैलेमस का जो टॉप मोस्ट पोर्शन है जिसके ऊपर ओवरी प्लेस्ड है, उस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं रिसेप्टिकल। क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल, ओके, रिसेप्टिकल के ऊपर प्लेस होती है हमेशा ओवरी। अब एक चीज जो हमको याद रखनी है, जो मेन चीजें हैं वो है चार वोल्स। तो चार फ्लोर वोल्स होते हैं, कौन कौन से चार फ्लोर वोल्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ। कलर एक बार चेंज कर लेते हैं, चलिए ब्लू कलर से बनाते हैं।
तो चार फ्लोरोफोरस जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो फ्लोरोफोर के बारे में आपको याद रखना है, जो आउटर मोस्ट होता है, जिसको हम सबसे पहले बताया करेंगे, वो है दिस वन. दिस इज कॉल्ड एज सेपल. क्या है ये? सेपल. ओके, सेपल. सेपल ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं. चलिए, सेपल के जस्ट बाद जो सेकंड हमको स्ट्रक्चर हमें बताना चाहिए, वो स्ट्रक्चर होता है ये रेड वाला स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड एज पेटल. क्या बोलते हैं इसको? पेटल. ओके, तो सेपल हो गया, देन सेकंड इज पेटल. पेटल के बाद जो थर्ड स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेमिन. क्या बोलते हैं? स्टेमिन. अब स्टेमिन में होते हैं दो पार्ट, जैसे कि एक पार्ट पोर्शन आप देख सकते हैं ये वाला. देखिए, मैं मार्क कर देता हूं ऊपर की तरफ. ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट. क्या बोलते हैं? फिलामेंट. ओके, और फिलामेंट का जो टॉप मोस्ट रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज एंथर. इसके अंदर ही पॉलिन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा. ओके, इसको बोलते हैं एंथर. एंथर. और एंथर और फिलामेंट को दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं स्टेमिन, जो मैंने सबसे पहले बोला था. क्या बोलते हैं इसको? स्टेमिन. ओके, चलिए अब लास्ट पोर्शन पे आ जाते हैं. जो लास्ट पोर्शन इस फ्लावर का है, वो पार्ट है, देखिए जरा, ये सेंटर मोस्ट पोर्शन. इस पोर्शन में सबसे ऊपर का पोर्शन है ये इस पोर्शन को हम बोलते हैं स्टिग्मा. स्टिग्मा. ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली थ्रेड लाइक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत फाइन स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत ही थिन डेलिकेट स्ट्रक्चर्स हैं. वो मैंने स्ट्रक्चर में बड़े बड़े ड्रॉ किए हैं, पर होते बहुत छोटे हैं. तो स्टिग्मा. सेकेंड इज स्टाइल. और स्टाइल के बाद जो है ये थर्ड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, थर्ड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ओवरी. तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. और तीनों स्ट्रक्चर को मिला के बोला जाता है, इधर मेंशन कर देता हूं, तीनों स्ट्रक्चर को मिला के हम लोग बोलते हैं पिस्टल, या फिर बोल सकते हैं कार्पल. क्या क्या बोल सकते हैं इसको? पिस्टल या फिर कार्पल बोल सकते हैं. ओके, पिस्टल या फिर कार्पल. चलिए, तो हमको क्या याद रखना है? तो ये जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो देखिए, फ्लावर में आउटर मोस्ट जो पार्ट है, आउटर मोस्ट जो फ्लोरल वोरल है, उसको हमने क्या बोल दिया? उसको हमने बोला है सेपल. सेपल के बाद जो उसके अंदर आएगा उसे बोलेंगे पेटल. उसके बाद जो उसके अंदर आएगा उसे बोलेंगे स्टेमिन. और सबसे अंदर वाला मोस्ट प्रोटेक्टेड पार्ट कौन सा वाला है? पिस्टल और कार्पल. याद हो जाएगा? तो पिस्टल कार्पल सबसे अंदर है, सबसे बाहर कौन है? सेपल. ये सीक्वेंस हमें याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके जो हम फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोरल डायग्राम्स पढ़ेंगे, तो बहुत काम आएगा. ओके, तो सीक्वेंस में याद रखिएगा, सबसे बाहर सेपल, देन पेटल, देन स्टेमिन, एंड फाइनली कार्पल या फिर पिस्टल सबसे अंदर. ओके, अब एक चीज़ और याद रखनी है, जो ओवरी है, ओवरी में आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ओवरी में ये पोर्शन आप देख सकते हैं, ये पोर्शन, ये कुछ कैविटीज प्रेजेंट है ओवरी के अंदर. ये जो कैविटी ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, इन कैविटीज को हम लोग बोलते हैं लॉक्यूल. क्या बोलते हैं इनको हम? लॉक्यूल. तो मैं कहीं लिख देता हूं, क्योंकि अब लेवल करने को जगह नहीं है वहां पे लेबलिंग के लिए, तो यहां लिख देता हूं कैविटी इन ओवरी इज कॉल्ड एज लॉक्यूल. ठीक है, तो याद रखना है कितने लॉक्यूल है, उसके बेसिस पे ओवरी को बोल सकते हैं यूनिलॉक्यूलर, बाइलॉक्यूलर, ट्राइलॉक्यूलर ओवरी. ठीक है, तो लॉक्यूल क्या होती है? लॉक्यूल होती है कैविटी. किसके अंदर प्रेजेंट है ये कैविटी? तो ओवरी के अंदर पे मिलती है ये कैविटी. याद हो जाएगा, है ना? अब देखिए, मैंने फ्लोरोफोर्स बताते टाइम पे एक चीज क्लियर करती थी कि फ्लोरोफोर्स जो होते हैं वो होते हैं कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम. अभी हमने पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, पर एक बार भी हमने इनका एक का भी नाम नहीं लिया. क्यों नहीं लिया, देख लेते हैं. अब देखिए, सबसे पहले जो हमने ऑब्जर्व किया था वो था क्या? सेपल. अब सेपल जो है ये क्या है?
ये लीफी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं, और इनका जो बंच होता है, इनका जो ग्रुप होता है, तो ग्रुप ऑफ सेपल जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैलेक्स। क्या बोलते हैं? कैलेक्स। तो ये पहला वरोल हो गया, तो हमने यहां पर देखा हुआ है ये रहा कैलेक्स। तो फर्स्ट जो वरोल होता है उसे हम बोलते हैं कैलेक्स, और कैलेक्स क्या है? दिस इज ग्रुप ऑफ सेपल। जो सेकेंड है उसे हम बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। तो देखिए जरा, पेटल जो आप यहां देख सकते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज पेटल। ग्रुप ऑफ पेटल को हम लोग बोलते हैं कोरोला। ओके, तो ये क्या क्या हो गया? कोरोला। तो फर्स्ट जो फ्लोर वोरल था वो था कैलेक्स, सेकेंड वन वॉज कोरोला। तो कैलेक्स हो गया, कोरोला हो गया। अब जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला देखिए क्या लिखा था यहां पे, थर्ड वाला यहां पे लिखा था एंड्रोशियम। क्या लिखा है? एंड्रोशियम। यहाँ पे एंड्रोशियम किसको बोल रहे हैं? तो एंड्रोशियम हम लोग बोलते हैं एंथर और फिलामेंट को मिला के जो स्ट्रक्चर बने हैं स्टेमिन, इन सारे स्टेमिन्स को मिला के हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम। तो मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ, स्टेमिन्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। ओके, अब देखते हैं लास्ट पोर्शन जो है, जैसे हम बोलते हैं गाइनोशियम। तो गाइनोशियम कहाँ पर प्रेजेंट है? तो आपने अभी अभी देखा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को मिला के हमने पिस्टल या फिर कार्पल बोला था, और जो पिस्टल और कार्पल है, इन पिस्टल और कार्पल को मिला के इनके जो बंच होते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं पिस्टल और कार्पल, तो इनके जो बंच है, इनका जो कंप्लीट अरेंजमेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। तो देखिए पिस्टल और कार्पल जो है इनको मिला के क्या बनता है? गाइनोशियम। इनके बंच को क्या बोलेंगे? गाइनोशियम बोलेंगे। याद हो जाएगा। तो ये चार वोल्स की बात हमने कर ली। तो फ्लावर में, फ्लावर के स्ट्रक्चर में टोटल चार वोल्स आपको दिखाई देंगे। अब एक काम करते हैं, आपको कुछ फ्लोरल स्ट्रक्चर्स या फ्लावर के स्ट्रक्चर्स में आपको यहाँ पे शो करने की कोशिश करता हूँ, तो एक बार उनको देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए। चलिए, अब हमने चूंकि स्ट्रक्चर देख लिया है फ्लावर का, तो फ्लोर वोल्स के बारे में भी पढ़ लिया है कि कौन से वाले फ्लोर वोल्स को हम क्या बोलते हैं। अब हमें एक चीज़ याद रखनी है, इन फ्लोरल वोल्स में से जो कैलेक्स और कोरोला हैं, कौन? कैलेक्स एंड कोरोला। तो कैलेक्स कोरोला जो दोनों होते हैं, ये दोनों नॉन एसेंशियल वोल्स हैं। नॉन एसेंशियल वोल्स कौन कौन से हैं? कैलेक्स एंड कोरोला। और जो एसेंशियल वोल्स हैं वो होते हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो कैलेक्स कोरोला कैसे हो गए? नॉन एसेंशियल। और जो एंड्रोशियम गाइनोशियम वो है कैसे? एसेंशियल। ये एंड्रोशियम गाइनोशियम एसेंशियल इसलिए हैं क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप करवाने के लिए हमको एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम की रिक्वायरमेंट रहेगी। पर कैलेक्स एंड कोरोला जो हैं वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसके इनको हम नॉन एसेंशियल वोल्स बोलते हैं। ये हमें रिप्रोडक्शन चैप्टर में फिर से पढ़ना है। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट करके, एक एक करके हम सारे के सारे जो फ्लोर वोल्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा रीड करते हैं। तो देखिए सबसे पहला वोल है कैलेक्स, जो कि आउटर मोस्ट भी होता है। देखिए कैलेक्स इज द आउटर मोस्ट वोल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड एज सेपल्स। तो हमने कैलेक्स को क्या बोला था? ये कंप्लीट ग्रुप ऑफ सेपल्स। तो ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम बोलते हैं कैलेक्स, और कैलेक्स जो होते हैं वो कैसा होता है? इट इज आउटर मोस्ट वोरल। कैसा वोरल है ये? आउटर मोस्ट वोरल है। जनरली सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। तो बड स्टेज में जो फ्लावर होता है, जो बड होती है, फ्लोरल बड, वो कम्प्लीटली एक ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर से, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर से रैप्ड रहती है। वो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर जिनसे एक फ्लोरल बड रैप्ड रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल। आप सबने रोज को ऑब्जर्व किया है, रोज प्लांट में आपने देखा है कि रोज का जो बड होता है, उस बड का कलर रेड नहीं है। अगर रेड रोज की हम बात कर रहे हैं, तो रोज की जो बड होती है वो रेड कलर की होती है नहीं, होती है ग्रीन कलर की होती है। और जैसे जैसे वो बड ओपन होती है, तो ये ग्रीन वाले लीफी स्ट्रक्चर साइडवेज हो जाते हैं और रेड वाले पेटल्स बाहर आ जाते हैं। तो जो ग्रीन स्ट्रक्चर उस बड में, बड को कवर किया हुआ था, वो ग्रीन स्ट्रक्चर एक्चुअली में क्या था? तो वो ग्रीन स्ट्रक्चर एक्चुअली में था कैलेक्स, या बोल सकते हैं सेपल्स थे वो। समझ गए? अब देखिए, द कैलेक्स में भी गैमोसेपैलस। गैमोसेपैलस मतलब क्या होता है? अगर सेपल्स आपस में अटैच हो एक दूसरे के साथ, यूनाइटेड हो, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं गैमोसेपलस। तो गैमोसेपलस में सेपल्स कैसे हैं? यूनाइटेड है। और पॉलीसेपलस मतलब अगर सेपल्स फ्री हैं, एक दूसरे के साथ में चिपके हुए नहीं है। तो गैमोसेपलस मतलब सेपल्स अगर यूनाइटेड हैं, आपस में चिपके हुए हैं,
पॉलीसेप्लस मतलब अगर सेपल्स फ्री हैं, समझ गए? तो पॉलीसेप्लस गैमोसेप्लस का मतलब समझ गए। अब नेक्स्ट पोर्शन पे आ जाते हैं, कोरोला। हम सबको पता है सेपल्स से थोड़ा सा अंदर की तरफ अगर हम आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोरोला मिलेगा। और कोरोला जो होता है इट इज कंपोज ऑफ पेटल्स। किस चीज से बनेगा? तो कोरोला इज कंपोज ऑफ पेटल्स। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइट कलर्ड। क्यों होते हैं ब्राइट कलर के? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। आपको पता है हनी बी जो है वो पॉलिनेशन करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मेजोरिटी ऑफ जो प्लांट अर्थ पर प्रेजेंट है उनमें पॉलिनेशन करवाने में के लिए जो हमको इंसेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो मोस्टली हनी बी ही होती है। ओके, तो हनी बी या फिर किसी और इंसेक्ट को जो पॉलिनेशन करवा रहा है उस इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए टुवर्ड्स फ्लावर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? कलर की रिक्वायरमेंट होगी। तो कौन सा पोर्शन है फ्लावर का जो कि कलरफुल होता है, जो इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करता है, ह्यूमंस को भी अट्रैक्ट करता है? तो वो जो पोर्शन है उस पोर्शन को हम बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। तो कोरोला जो इट इज ब्राइटली कलर्ड एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। तो याद रखेंगे लाइक कैलेक्स कोरोला मे ऑल्सो बी यूनाइटेड। तो कैलेक्स यूनाइटेड थे वैसे ही कोरोला भी यूनाइटेड हो सकते हैं। और इस कंडीशन को देखिए, वहां पे गैमोसेपेलस टर्म यूज किया था, सेपेलस, क्योंकि कैलेक्स में सेपल्स होते हैं। तो अगर हम कोरोला की बात करें तो कोरोला में सेपल तो है नहीं, पेटल है, और यूनाइटेड है इसलिए गैमो बोल रहे हैं। तो याद रखेंगे कोरोला अगर यूनाइटेड होगा तो उसको हम बोलेंगे गैमो पेटलस, क्योंकि कोरोला का जो यूनिट है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पेटल बोलते हैं। सेम कंडीशन पॉलीसेपेलस आप देख सकते हैं, पॉलीसेपेलस मतलब कैलेक्स, अगर कैलेक्स जो है वो फ्री है तो पॉलीसेपेलस बोल रहे हैं, मतलब सारे सेपल्स फ्री हैं। तो अगर सारे पेटल्स फ्री हैं तो कंडीशन को क्या बोलेंगे? तो अगर सारे पेटल फ्री हैं तो कंडीशन को हम लोग बोलेंगे पॉली पेटलस, क्योंकि हमें पता है कोरोला में सेपल्स नहीं होते हैं, पेटल्स होते हैं। देखते हैं नीचे, बिल्कुल ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है गैमोपेटलस मतलब पेटल्स यूनाइटेड है, और पॉली पेटलस मतलब पेटल्स कैसे हैं, फ्री हैं। तो पॉली पेटलस मतलब पेटल्स फ्री, गैमोसेपेलस मतलब पेटल्स यूनाइटेड। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। तो जो शेप और कलर होता है कोरोला का वो प्लांट्स में वेरी करता है। आपने मल्टीपल कलर्स के फ्लावर ऑब्जर्व किए हैं अपनी लाइफ में, है ना? तो कलर जो होता है कोरोला का उसमें वेरिएशन हमको मिल जाएगा। अगर अगर एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में चाहिए। अगर आपको पता है कि जो पेटल्स का कलर है उस कलर को प्रोवाइड करने वाला जो मेन पिगमेंट है वो पिगमेंट कौन सा है, तो कमेंट सेक्शन में एक बार रिप्लाई करके बताइए। ओके, चलिए अब एक और चीज़ हमको याद रखनी है, कोरोला जो है कोरोला मे बी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड। क्या याद रखना है अपन को? जो कोरोला होते हैं इनमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं। तो मतलब फ्लावर में जो पेटल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में अरेंज हो सकते हैं, जैसे कि कौन कौन से, जैसे कि ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड, समझ रहे हैं? तो ट्यूबुलर हो सकते हैं, बेल शेप्ड। अच्छा, बेल शेप्ड का एक एग्जाम्पल है जो आपने अगर सुना हो तो बहुत अच्छा होगा। इसका एग्जाम्पल होता है वैली, लिली ऑफ वैली। मैं लिख देता हूं यहां पे एक बार, इसका एक एग्जाम्पल है लिली ऑफ वैली, अगर आपने सुना हो लिली ऑफ वैली। ओके, उसके अलावा और भी कई सारे स्ट्रक्चर दिए हैं, ट्यूबुलर शेप्ड, फनल शेप्ड। इन सब के लिए इमेजेस या बोलेंगे इनका जो डिस्क्रिप्शन वाला पोर्शन होता है वीडियो का, उस पोर्शन में मैं इनके एक एक एग्जाम्पल आपको मेंशन करके दूंगा, जो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। चलिए अब यहाँ पे एनसीईआरटी का एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखिए हमने अभी क्या बोला था, हमने बोला था कि जो कैलेक्स है, कैलेक्स मोस्टली कैसे होते हैं? तो कैलेक्स मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं, जैसे कि आपको इस स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व भी करवाए गए हैं। ओके, सेकंड चीज़ जो हमने नोटिस की थी, कोरोला जो होते हैं ये मल्टीपल कलर्स के होते हैं। अब कैलेक्स जो है मोस्टली ग्रीन होते हैं, कोरोला मल्टीपल कलर्स के होते हैं, दैट मीन्स के इनको ईजिली डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं, है ना? पर कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं प्लांट्स में जहाँ पर कैलेक्स और कोरोला जो होते हैं वो सेम ही कलर के निकलते हैं। तो कैलेक्स और कोरोला अगर सेम कलर के निकलेंगे तो आप इजिली डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं पेरियंथ। क्या नाम देते हैं? पेरियंथ। तो साइड में मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन उसके लिए लिख रहा हूं, देखिए यहां पे देख लेते हैं।
पेरियंथ की बात करते हैं। पेरियंथ, ओके। तो पेरियंथ वाली जो कंडीशन है यहां पे हमको क्या रखना है, व्हेन सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर, ओके। व्हेन, मैं लिख देता हूं एक बार यहां पे, व्हेन सेपल्स एंड पेटल्स, सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर। देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पेरियंथ। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरियंथ, ठीक है। तो कभी कभी सेपल भी ग्रीन कलर का है, पेटल भी अगर ग्रीन कलर के हो गए तो कंडीशन हमें ऑब्वियसली हम उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो कंडीशन को कोई स्पेशल नाम देना पड़ेगा, और स्पेशल नाम का क्या, वो स्पेशल नाम क्या है, तो वो नाम होता है पेरियंथ, ओके। अब पेरियंथ जो होती है इसमें ऑब्वियसली आपको पता है, अगर हम कैलेक्स की बात करते हैं तो उसकी एक इंडिविजुअल यूनिट को हमने नाम दिया था क्या, सेपल। और कोरोला की अगर हम बात करेंगे तो उसके भी एक इंडिविजुअल यूनिट को हमने नाम दिया था, और नाम क्या था, पेटल। तो पेरियंथ में हम सेपल्स और पेटल्स दोनों टर्म यूज नहीं कर सकते, तो क्या टर्म यूज करें, तो पेरियंथ की जो इंडिविजुअल यूनिट है उसको हम लोग क्या बोलें, तो उसको हम बोलते हैं टेपल्स। क्या बोलते हैं, टेपल्स। तो सेपल नहीं बोलना है, पेटल नहीं बोलना है, क्या बोलना है, टेपल्स बोल देना है। तो टेपल्स क्या होते हैं, तो टेपल्स होते हैं यूनिट ऑफ, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ पेरियंथ। इजी है। अब जैसे आपने अभी अभी पढ़ा था गैमोसेपलस कंडीशन, आपने सुना है गैमोसेपलस मतलब होता है व्हेन सेपल्स आर फ्यूज्ड, है ना। फिर आपने गैमोपेटलस कंडीशन पढ़ी है, गैमोपेटलस मतलब होता है पेटल्स आर फ्यूज्ड। फिर आपने पॉलीसेपलस पढ़ा था, पॉलीसेपलस मतलब होता है व्हेन सेपल्स आर फ्री। देन आपने पॉलीपेटलस कंडीशन पढ़ी थी, इसका मतलब होता है व्हेन पेटल्स आर फ्री, ओके। तो वैसे पेरियंथ में भी तो जो टेपल्स प्रेजेंट हैं वो भी तो फ्यूज और फ्री हो सकते हैं। तो अगर टेपल्स फ्री हैं, कैसे हैं, फ्री हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको गैमो क्या कहते हैं, गैलो गैमो गैमोफिलस या गैमोटेपलस कंडीशन बोले, या इसको पॉलीटेपलस कंडीशन बोले, क्या बोले। तो फ्री अगर टेपल्स प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को बोलेंगे पॉली पॉलीटेपलस कंडीशन, और अगर टेपल्स फ्यूज्ड है तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, गैमो गैमोटेपलस। तो पॉलीटेपलस और गैमोटेपलस कंडीशंस जो हैं, ये कंडीशंस किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, ये हम यूज कर रहे हैं पेरियंथ के केस में। किसके केस में, पेरियंथ के केस में। तो पेरियंथ एक बार और सुन लीजिए क्या होता है, व्हेन व्हेन सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर, देन द कंडीशन इज कॉल्ड एज पेरियंथ। पेरियंथ की जो इंडिविजुअल यूनिट है उसे हम क्या बोलते हैं, टेपल्स। टेपल फ्री भी हो सकते हैं, फ्यूज भी हो सकते हैं। अगर टेपल्स फ्री है तो कंडीशन को बोलेंगे पॉलीटेपलस, अगर अगर टेपल्स फ्यूज है तो कंडीशन को बोलेंगे गैमोटेपलस। समझ गए। तो अब ये कंडीशन अभी हमने कौन सी वाली कंप्लीट की है, तो जो कंडीशन अभी हमने कंप्लीट किया वो कंडीशन थी कैलेक्स और कोरोला, और अगर कैलेक्स कोरोला नहीं है तो पेरियंथ वाली कंडीशन। अब नेक्स्ट पोर्शन जो हमें पढ़ना है वो है ब्रैक्ट, क्योंकि ब्रैक्ट की इंफॉर्मेशन भी एनसीईआरटी में उतनी क्लियरली यहां पे नहीं दी है, तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रैक्ट। अब ब्रैक्ट कौन सा पोर्शन, देखिए तो ब्रैक्ट जो होते हैं ये लीफी स्ट्रक्चर्स हैं। कहां पर मिलेंगे, पेडिसल, आप समझते हैं पेडिसल मतलब क्या था, तो पेडिसल था बेस ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर का जो बेस होता है उसे हम पेडिसल बोल रहे हैं, और वहां से थोड़े से छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। तो आपने देखा होगा ऐसे, मैंने मान लीजिए ये पेडिसल बना दी है, पेडिसल से ऊपर अटैच्ड कौन है, एक फ्लावर लगा है, मान लीजिए फ्लावर। फ्लावर को बहुत डिटेल में यहां पर मैं नहीं बना रहा हूं, ये चलिए कुछ चीजें तो बना ही देते हैं।
जैसे कि सेपल बना देते हैं, पेटल बना देते हैं, एंड्रोशियम गाइनोशियम नहीं बनाने वाले। चलिए तो ये जो है ये हमने अपने सेपल बना दिया और ऊपर हमने पेटल्स भी बना दिए, तो पेटल हो गया, ये सेपल हो गया ग्रीन वाला। अब ये जो स्टॉक है इसको हमने क्या बोला था, तो स्टॉक को हम लोगों ने बोला था पेडिसिल। ओके, पेडिसिल के बेस पे कभी कभी ऐसे छोटे छोटे लीफी स्ट्रक्चर निकल के आ जाते हैं, और इन छोटे लीफी स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं ब्रैक्ट। क्या बोल सकते हैं? ब्रैक्ट। जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रक्चर्स छोटे ही हों, पर मोस्टली मोस्ट ऑफ द केसेस में छोटे ही निकलते हैं, तो इन स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया, ब्रैक्ट बोल दिया। समझ गए? चलिए अब एक और चीज याद रखनी है, अगर फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ब्रैक्टिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? ब्रैक्टिएट। तो यहां लिख देता हूं ब्रैक्ट, एब्सेंट भी हो सकते हैं और प्रेजेंट भी हो सकते हैं। तो अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो कंडीशन को क्या नाम दे दिया हम लोगों ने, कंडीशन को बोलेंगे ब्रैक्टिएट। और अगर ब्रैक्ट एब्सेंट है तो कंडीशन का नाम होगा ई ब्रैक्टिएट। ठीक है, तो फ्लोरल डायग्राम जब हम पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम पे ये चीजें हम पढ़ेंगे, ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट के लिए हम लिखेंगे बी आर, सॉरी ब्रैक्टिएट के लिए हम लोग लिखेंगे, ये क्या हुआ, लेट मी क्लीन इट अप। देखिए तो ब्रैक्टिएट के लिए हम लोग लिखेंगे बी आर ऐसा फ्लोरल फॉर्मूला में, और ई ब्रैक्टिएट के लिए हम लोग लिखेंगे ई बी आर। ठीक है, ई बी आर, ई ब्रैक्टिएट। ठीक है, तो अब याद रखिए ई ब्रैक्टिएट मतलब अगर ब्रैक्ट एब्सेंट है, और ब्रैक्टिएट मतलब अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है। समझ गए? तो पेडिसिल के बेस पे आपको दो लीफी स्ट्रक्चर दिख सकते हैं, दो या जितने भी हो वो लीफी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ब्रैक्ट। याद हो जाएगा ये कंडीशन? हाँ चलिए, वैसे आपने एक चीज देखी है बोगनविलिया में, आपने जो फ्लावर देखा है वो फ्लावर एक्चुअली में जो भी कलर्स आपने देखे हैं, मोस्टली रेड कलर देखा होगा, व्हाइट कलर देखा होगा, पिंक कलर में भी होते हैं, स्लाइटली पर्पल कलर में भी होते हैं, इनका जो कलरफुल पोर्शन है वो एक्चुअली में ब्रैक्ट है। तो ब्रैक्ट जरूरी नहीं है कि ग्रीन कलर के ही हों, ब्रैक्ट में मल्टीपल कलर्स मिल सकते हैं, जैसे कि कौन सा कलर, व्हाइट कलर, रेड कलर, ये मोस्टली आपने देखे होंगे है ना। तो व्हाइट और रेड कलर जो वहां पे आप देख रहे हैं वो फ्लावर के पेटल्स नहीं है, वो क्या चीज है, वो ब्रैक्ट है।